दोस्तों आज हम बात करेंगे टाटा मैजिक एक्सप्रेस BA6 के बारे में। ये है दोस्तों एक स्मॉल कमर्शियल व्हीकल पैसेंजर के लिए। इसमें आपको 10 सीट का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। इसे हम कह सकते हैं मिनी वैन। इसमें आपको दोस्तों स्कूल वाली वैन भी आपको देखने को मिल जाती है। केवल आपको यही डिजाइन रहेगी, कलर आपको येलो देखने को मिलेगा। तो आज हम बात करेंगे अगर आप लेते हैं मैजिक एक्सप्रेस BA6 की पैसेंजर वाली वेरियंट, इसकी आपको कीमत क्या देखने को मिलेगी, खासियत क्या है, माइलेज क्या मिलेगी, फीचर क्या है, सारी बातें आपको बताएंगे। तो वीडियो को लाइक करके बने रहिएगा। तो बात करेंगे मैजिक एक्सप्रेस 7 सीटर BA6 की इंजन के बारे में। इसमें दोस्तों आपको देखने को मिलता है 798 सीसी का डाइकोर 2 सिलेंडर डीजल वेरिएंट के साथ BA6 का इंजन आपको देखने को मिलेगा। अब ये गाड़ी आपको पावर देगी 44 HP की 3700 RPM पर और टॉर्क जनरेट करेगी 110 Nm की 1700 से लेकर 200 RPM तक के बीच। क्लच की बात करेंगे 190 mm की आपको सिंगल प्लेट ड्राइव फ्रिक्शन का आपको यहाँ पर क्लच ऑप्शन देखने को मिलता है। गियर की बात करेंगे इसमें आपको दोस्तों मिलता है 5 फॉरवर्ड गियर, एक आपको मिलता है रिवर्स गियर। अगर हम बात करेंगे ब्रेक के बारे में तो कह दूं कि दोस्तों आपको फ्रंट में आपको डिस्क ब्रेक का ऑप्शन देखने को मिल जाता है और रियर में आपको मिलता है ड्रम ब्रेक। सस्पेंशन की बात करेंगे इस गाड़ी के फ्रंट में आपको देखने को मिलता है पैराबोलिक लीफ स्प्रिंग और रियर की सस्पेंशन में आपको देखने को मिलता है सेमी इलिप्टिकल लीफ वाली स्प्रिंग जो काफ़ी जो है सही रहती है। इस गाड़ी की दोस्तों टॉप स्पीड है 80 km/h की। फ्यूल टैंक की बात करेंगे 30 लीटर की आपको फ्यूल टैंक इसमें देखने को मिल जाती है और साथ ही बात करेंगे एड ब्लू टैंक की, इसे हम दोस्तों यूरिया टैंक भी कहते हैं, तो आपको 10 लीटर की वो वाली टैंक देखने को मिलती है। जैसे कि दोस्तों हम जानते हैं कि टाटा मैजिक एक्सप्रेस BA6 अवेलेबल है डीजल में। इसमें आपको दोस्तों जो है अलग से आपको एड ब्लू भी डलवाना पड़ता है, उसकी इंडिकेशन आपको मीटर कंसोल में देखने को मिलेगी जैसे वो कम होती है, तो ये भी आपको कंपलसरी अब हो गई है। स्वागत है आपका मेरे वाले चैनल में। कार और बाइक के बारे में सही कीमत और उसकी सही जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को और साथ ही इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करिए। बात करें गाड़ी के डायमेंशन के बारे में, इसकी दोस्तों लंबाई है 3790 mm की। चौड़ाई की बात करेंगे 1500 mm की आपको चौड़ाई देखने को मिल जाती है, 1890 की आपको हाइट देखने को मिल जाती है। बात करेंगे ग्राउंड क्लियरेंस के बारे में, इसकी आपको मिलती है 150 mm की ग्राउंड क्लियरेंस, जमीन से ऊपर 150 mm की, यानी कि सड़क खराब है फिर भी आप इसे आसानी से चला सकते हैं। टर्निंग रेडियस की बात करेंगे 4.3 mm की आपको टर्निंग रेडियस इसमें देखने को मिल जाती है। माइलेज की बात करेंगे ARAI द्वारा दोस्तों क्लेम की जाती है, इसमें आपको मिलेगी लगभग से 21 KMPL तक की माइलेज। लेकिन दोस्तों मैं जैसे कि हर बार आपको कहता हूँ माइलेज में आपको बदलाव देखने को मिल सकती है गाड़ी चलाने के ऊपर, सड़क की कंडीशन कैसी है, फ्यूल की क्वालिटी कैसी है, लेकिन आपको ARAI द्वारा क्लेम की जाती है 21 की आपको माइलेज देखने को मिलेगी, जो बहुत ही शानदार बात है BA6 की मैजिक एक्सप्रेस में। सीटिंग की बात करेंगे 9 पैसेंजर आसानी से बैठ सकते हैं, एक है ड्राइवर के लिए। वारंटी की बात करेंगे लगभग सब दोस्तों वारंटी दी जाती है 2 साल की, या फिर आपको जो है 72,000 किलोमीटर तक की आपको वारंटी इस गाड़ी में देखने को मिल जाती है। बात करेंगे एक शोरूम कीमत के बारे में, मैजिक एक्सप्रेस BA6 की आपको पड़ेगी लगभग से दोस्तों एक शोरूम कीमत 6,80,000 रुपये से लेकर 7,27,000 रुपये तक के बीच। कीमत की रेंज जैसे कि दोस्तों आप देख रहे हैं आपको पूरे भारत में एक शोरूम कीमत इसी के आसपास देखने को मिलेगी। लेकिन वहीं अगर हम बात करेंगे ऑन रोड कीमत के बारे में, तो क्या है दोस्तों ऑन रोड कीमत में आपको बदलाव देखने को मिलती है, क्योंकि आपको बता दें कि हर राज्य के हर स्टेट के अलग अलग जो है अपने RTO अमाउंट और इंश्योरेंस के चार्जेस होते हैं। लेकिन बात करेंगे एक्सपेक्टेड ऑन रोड कीमत के बारे में, तो आपको पड़ेगी टाटा मैजिक एक्सप्रेस 7 सीटर BA6 की एक्सपेक्टेड ऑन रोड कीमत 7,85,000 रुपये से लेकर 7,85,000 रुपये तक के बीच। कीमत की रेंज जैसा कि मैं आपको बता रहा हूँ, इससे कीमत बाहर जाने वाली नहीं है, तो अपने शहर के हिसाब से कीमत जाने के लिए आप कमेंट करिएगा। और बहुत जल्द हम बात करें इसकी लोन कीमत और EMI के बारे में, तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। तो ये थी दोस्तों टाटा की तरफ से आने वाले बहुत ही शानदार पैसेंजर व्हीकल, जिसे हम कह सकते हैं स्मॉल कमर्शियल, यानी कि आप जो छोटे शहर में चलने के लिए या फिर आपको एक शहर से दूसरे शहर जानी है ऐसे काम के लिए बहुत ही बेहतरीन ये गाड़ी साबित होती है। तो आशा करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा कीमत तब क्या देखने को मिलती है, खासियत क्या है, माइलेज क्या है, फीचर क्या है। और भी कुछ बातें इस गाड़ी के बारे में जानने के लिए आप कमेंट करिएगा, और आपको वीडियो पसंद आएगी लाइक करना, शेयर करना तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर करिएगा चैनल को। धन्यवाद।